नमस्कार, आइए इस जन्म कुंडली के ऊपर प्रकाश डाल लेते हैं। एक 33 वर्षीय युवक की हॉरोस्कोप हमारे सामने है, उसके बारे में हम यह चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे लग्न से और राशि के द्वारा। लगन है धनु लगन और राशि भी है धनु राशि, यानी लगन और राशि दोनों का मालिक बृहस्पति, और ये बृहस्पति बैठा कुंडली के तीसरे घर में। ये व्यक्ति को सही समय पर सही ज्ञान, बुद्धि, विवेक, समझदारी, अपनी बात को दूसरे को समझाने का तरीका, या कहा जा सकता है ऐसे लोग अच्छे टीचर होते हैं, अच्छे उपदेश देने वाले होते हैं, या इनकी वाणी के अंदर ऐसी सौम्यता होती है कि अपनी वाणी से ये लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। टीम मैनेजमेंट संभालने की कमांड अगर देखी जाए तो ऐसे लोगों के अंदर देखी गई है। धनु राशि वालों को पिछले काफ़ी समय से साढ़े साती चल रही है और साढ़े साती का तीसरा चरण इनको शुरू हो चुका है। कुंडली में दूसरा घर और 12वें घर का आपसी में राशि परिवर्तन योग है, क्योंकि शनि मंगल की राशि में और मंगल शनि की राशि में बैठा है, और यहाँ मंगल उच्च का होके पंचमेश है, 5वें घर का मालिक होके बैठा है और पंचम को देखता है। ये अच्छी शिक्षा का एक इंडिकेशन है कि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी शिक्षा करेगा और शिक्षा का भोग भी करेगा, यानी शिक्षा का इस्तेमाल अपने काम के अंदर करेगा। साथ ही साथ पंचम का मालिक जब पंचम को देखे तो व्यक्ति को जीवन में संतान से संबंधित सुख सहयोग भी प्राप्त होते हैं। 12वें घर में शनि है, ये द्वितीय शो के 12वें घर में पहुंचा है। कहीं ना कहीं ये स्थिति धन का अधिक खर्च दिखाती है, या ऐसा कह सकते हैं व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा धन कम जोड़ पाता है। साथ में बैठे हैं बुध। एक तो व्यक्ति के कर्म स्थान का मालिक, नौकरी स्थान का मालिक दोनों मिलके 12वें घर में बैठे हैं, यानी व्यक्ति का कर्म घर से दूर स्थान पर फलेगा। जहाँ पर वो पैदा हुआ है वहाँ पर जाकर उसका कर्म नहीं फलेगा, उसे घर से बहुत दूर, या ये भी कह सकते हैं संभवतः विदेश में जाना दिखाई देता है। बाकी पता लगेगा कि वह कौन सी दशा में विदेश जाएगा। यहाँ देखिए भाग्य स्थान का मालिक लाभ भाव में बैठा है। सूर्य नीच का है लेकिन शुक्र के साथ है, शुक्र करता है उसका नीच भंग राजयोग, यानी ये एक बहुत सुंदर राजयोग बन रहा है एकादश भाव में, प्राप्तियों के भाव में, यानी व्यक्ति को जीवन में थोड़ा सा एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं अपने भाग्य को चमकाने के लिए, लेकिन वो जब उस भाग्य को चमका लेगा तो निश्चित है उसको उसके जीवन में सुख सुविधाएं मिलेंगी, लाभ मिलेगा, गेन प्राप्त होगा, यानी जितना वो कर्म करेगा उसकी वजह से उसको फायदा भी मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि भी लाभ स्थान पर आ रही है। तो ये इस कुंडली के ग्रहों की स्थिति है। नवांश में मैं यदि देखूँ तो देखिए आप शनि मंगल की फिर से राशि में है, शनि वर्गोत्तम हो गए, साथ ही साथ शुक्र उच्च के हैं और बृहस्पति अपनी राशि के हैं, यानी नवांश कुंडली में भी ग्रहों का बल बढ़ गया है। पिछले काफ़ी समय से ये व्यक्ति चंद्रमा की महादशा का भोग कर रहा है। 10 साल की महादशा होती है, चंद्रमा 8वें घर का मालिक होके लग्न में है। अष्टमेश की महादशा मिले तो जीवन में कार्य होते हैं लेकिन कार्य के होने में रुकावटें पैदा होती रहती हैं, बिना रुकावट के काम नहीं हो पाते। साथ ही साथ व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की मानसिक उलझनों में उलझता रहता है, क्योंकि पिछले 2.5-5 वर्षों से तो इनको साढ़े साती भी चल रही है, यानी पिछले 3 साल का अगर मैं समय देखूं तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस का सामना करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा अकेला है, साथ ही साथ मंगल और शनि के पापकर्तृ योग में भी फंसा हुआ है। अब यह चंद्रमा की दशा 6 फरवरी 2020 में ख़त्म हो जाएगी, अब से 3 दिन बाद, उसके बाद महादशा लगेगी मंगल की। मंगल द्वादशेष है, द्वादश के मालिक से दूसरे घर के मालिक से राशि परिवर्तन करता है, साथ ही साथ पंचम को देखता है, इसलिए मंगल की दशा जो जीवन में 7 साल के लिए आएगी, फरवरी 20 से फरवरी 27 के बीच, सीधा सीधा सा इसका एक मतलब है कि मंगल की दशा में संतान संबंधित सुख जरूर मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे इनकी संतान की कुंडली, वहाँ भी मंगल देखिए सप्तम भाव में बैठकर लगन को वापस देखता है, यानी मंगल की दशा में संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे संकेत यहाँ दिखाई दिए हैं। मंगल में की दशा, मंगल में मंगल, मंगल में राहु, राहु के बाद बृहस्पति, यानी आपके पास 2020, 21, 22 ये 3 वर्ष बहुत बेहतर है जिसमें आपको निश्चित संतान की प्राप्ति हो जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मंगल द्वादशेष हैं इसका मतलब है व्यक्ति को घर से दूरी,
या अगर वो विदेश में जाके काम करने की इच्छा रखता है तो विदेश से संबंधित नौकरी भी उसको मंगल की दशा में ही मिलेंगी। नवांश कुंडली के अंदर मंगल नवम भाव में बैठकर 12वें घर और 3रे घर को देखता है। ये दोनों ही स्थान घर से दूरी, स्थान परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं। इनके कर्म फल में देखें तो मंगल की पोजीशन फिर से एक्सीलेंट हो गई। मंगल यहाँ योग कारक होकर नवम भाव में बैठा, उच्च के सूर्य के साथ बैठा है और साथ में कर्मे शुक्र हैं, यानी आगामी 7 वर्ष का समय व्यक्ति अपने जीवन में बेहतरीन समय आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप भोग करेगा, तरक्की लेगा, प्रमोशंस लेगा और अपने जीवन में अच्छी खासी तरक्की करेगा। ये तरक्की उसकी घर से दूर या विदेश में भी सक्षम है। आगामी 7 वर्ष की दशाएं व्यक्ति के जीवन में बहुत बेहतर स्थिति लेकर आ रही हैं। प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, पैसे के हिसाब से अच्छा रहेगा, गेन होगा। कुल मिलाकर मंगल की दशा में देखें तो बहुत अच्छी स्थिति आपके जीवन में बन रही है। थोड़ी सी सावधानी देखें तो जून 2022 से अगस्त 2023 के बीच जब आपको मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा आएगी, इस दौरान थोड़ा सा जो भी आप स्टेप उठाएं उसको थोड़ा ध्यान पूर्वक उठाएं, नहीं तो आपको किसी बड़े नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। यानी ऐसे समय में कहा जाता है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करे, जो चल रहा है उसे औसत रूप में चलाए तो व्यक्ति को फायदा होगा। नहीं तो मंगल की पूरी दशा, मेरे हिसाब से तो अगर आपने जीवन में जितनी मेहनत करी है उसका एक क्रीम पीरियड आपकी लाइफ में मंगल की 7 साल की महादशा में आने वाला है, जो कि फरवरी 2027 तक चलेगा। जीवन का अच्छा समय अगर देखा जाए तो 6 तारीख से आपको अच्छा समय शुरू होने वाला है। आपके लिए मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप एक अच्छा सा पुखराज ज़रूर पहन लीजिए, क्योंकि बृहस्पति इस कुंडली के अंदर काफ़ी फेवरेबल प्लेनेट मुझको दिखाई दिया है। तो मैं आपको पुखराज पहनने की सलाह ज़रूर दूंगा, चाहे बैंकॉक का पुखराज पहनो चाहे श्रीलंका का पुखराज पहनो, दोनों ही अपनी जगह अच्छे होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, तो आप चाहें तो मुझसे सर्टिफाइड स्टोन प्राप्त कर सकते हैं। तो पुखराज पहनना आपके लिए एक सूटेबल रहेगा। साथ ही साथ नित्य नियम से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, कम से कम रोजाना 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और पुखराज पहन लीजिए। बाकी मुझे आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत बेहतर दिख रही है, पैसे की स्थिति अच्छी दिख रही है और भविष्य में संतान प्राप्ति 2020-21-22 तो आपके लिए बहुत बेहतर समय है। इस दौरान आप निश्चित संतान प्राप्त कर ही लेंगे। तो ये था आपका हॉरोस्कोप और इसका फलित। मेरे हिसाब से आपको आने वाली जितनी भी दशाएं हैं वो एक तरीके से बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है, संतुष्टि भरी हॉरोस्कोप में इसे कह सकता हूँ। जीवन में तरक्की करने वाली हॉरोस्कोप यह है। ग्रहों के अंदर अच्छा खासा बल दिखाई दे रहा है, तो ईश्वर कृपा से आपको इन सब चीज़ों का लाभ भी मिलेगा। नमस्कार।